प्रिय सलाई, राम राम। सलाई, आज का ये कार्यक्रम वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। तो जुड़े रहिए आप लोग अंत तक वीडियो में। आज हम आपको मार्च 2024 पूरे महीने की हर एक जानकारी देंगे, कैसा आपका स्वास्थ्य रहने वाला है, कैसा आपका करियर रहेगा इस पूरे महीने, कैसे आपके रिश्ते संबंध रहेंगे, कैसा आपका व्यापार रहेगा, नौकरी पेशा वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। आज हम आपको विशेष जानकारी देंगे हर एक पल की। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। वृषभ राशि वालों का इस महीने स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य के हिसाब से ये पूरा महीना वैसे तो ठीक रहने वाला है, मगर शुरुआती 15 दिन आपको थोड़ा सचेत रहना है। इस महीने थोड़ा मिला जुला असर देखने को मिलेगा स्वास्थ्य के लिहाज से। वैसे तो महीना ठीक है, कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं होगी, मगर लापरवाही ना करें। अगर लापरवाही करेंगे तो बड़ी परेशानी बनकर तैयार हो सकती है आपके लिए। वैसे कोई बड़ी परेशानी नहीं है, मगर जिन लोगों को पुरानी बीमारियां हैं उनकी बीमारियों में बढ़त देखने को मिलेगी। तो समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहें, समय समय पर दवाइयां लेते रहें, चेकअप करवाते रहें, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और इस महीने शुरुआती 15 दिन आपको वाहन चलाने में बहुत ही सावधानी बरतनी है। वाहन चलाते समय बहुत ही सतर्क रहें, क्योंकि दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं शुरुआती 15 दिनों में। तो आपको बहुत ही सचेत रहना है वाहन चलाते समय, क्योंकि किसी बड़ी दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं। तो हर एक मामले में बहुत ही सावधान रहें, लापरवाही ना करें। बस शुरुआती 15 दिन, उसके बाद समय ठीक रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करेंगे इस महीने आपके रिश्ते संबंध कैसे रहेंगे। इस महीने अगर प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध वाले बहुत ही सोच समझकर दिमाग से काम लें, अन्यथा छोटी छोटी बातों को लेकर आप गलत फहमी में फंस सकते हैं, उसके शिकार हो सकते हैं। किसी दूसरे के बहकावे में ना आए, आपसी सूझबूझ से काम लें, बहुत ही दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, अन्यथा आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं और कोई बड़ी परेशानी बनके तैयार हो सकती है। तो किसी के भी बहकावे में ना आए, अपने दिमाग से काम लें और अपने साथी के साथ बहुत ही प्यार बनाए रखें। अगर आप प्यार बनाए रखेंगे तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी, यानी कोई भी बड़ी परेशानी नहीं होगी। और अगर आपने लापरवाही करी तो कोई भी बड़ी समस्या बनकर तैयार हो सकती है और आप किसी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो दिमाग से काम लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैवाहिक जीवन शुरुआती 15 दिन बहुत ही सुंदर स्थिति रहेगी, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, बहुत ही मिठास रहेगी वैवाहिक जीवन वालों के लिए। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं सैर सपाटे पर बहुत दूर अच्छी जगह पर घूमने भी जा सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं और जाएंगे भी आप। यानी कि इस समय एक अच्छा तालमेल रहेगा, खूब प्रेम बढ़ेगा। तो शुरुआती 15 दिन बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है आपके लिए। बाकी अगले 15 दिन बहुत ही सूझबूझ से आपको काम लेना है, यानी कि 15 मार्च के बाद तनावपूर्ण यानी कि आप ज़िंदगी रहने वाली है, तो तनाव से बचें। जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा आदि से बचें,
क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं कि आपका कोई बड़ा झगड़ा भी हो सकता है जीवन साथी के साथ। तो कोई भी किसी प्रकार के पैसे के लेन देन को लेकर यानी कि आपसी विरोध ना करें तो ठीक रहेगा। बहुत ही सूझबूझ से काम लें और अपने काम पर ध्यान दें, फालतू बातों को टालें, छोटी छोटी बातों को तूल ना पकड़ें और विवादों से बचे रहें, अन्यथा पूरे घर का माहौल आपका बिगड़ सकता है और कोई बड़ी स्थिति बनकर तैयार हो सकती है, आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसा काम ना करें, बहुत ही सूझबूझ से काम लें। 15 मार्च के बाद, उसके पहले समय आपका अच्छा है। अब अगर बात करें इस महीने काम कारोबार नौकरी पेशा वालों के लिए, तो पहले आप बताते हैं जो नौकरी पेशा में हैं वो लोग शुरुआती लगभग 15 दिन अपने काम को लेकर थोड़े असंतुष्ट रहेंगे। इस समय आपको कार्य क्षेत्र पर कई बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इससे कई बार आपके मन में नकारात्मक विचार भी आएंगे, तो इसलिए इस समय अपने सीनियरों से संबंध खराब न करें, बहुत ही सूझबूझ से काम लें। बाकी 15 तारीख के बाद स्थितियाँ सामान्य होती चली जाएंगी और सीनियरों के साथ अच्छा आपका तालमेल भी रहेगा, यानी कि बड़ी बड़ी समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी और जो भी इसमें आपको नुकसान होगा उसकी भरपाई अगले 15 दिन के बाद ज़रूर होगी। बहुत ही अच्छा समय होगा, तो ये शुरुआती 15 दिन आप थोड़ा सूझबूझ से काम लें। अब बात करें जो लोग व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए शुरुआती 15 दिन बहुत ही अच्छा समय। इसमें व्यापार से संबंधित जो भी यात्राएं आप करेंगे उसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, यानी कि व्यापार से संबंधित आपकी यात्राएं बहुत ही सुखद होंगी। इस समय जो लोग नया व्यापार करने की सोच रहे हैं तो उस समय बहुत ही शुभ है, यानी कि आप सफल हो जाएंगे, आपको अच्छी सफलता मिलेगी, यानी कि बहुत ही अच्छा समय है नया व्यापार शुरू करने के लिए, बहुत ही उत्तम समय है, आप कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति इस समय कैसी रहने वाली है आपकी? पूरे महीने खूब ज़बरदस्त धन आएगा इस महीने, यानी कि धन की कमी नहीं होगी इस महीने और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी, यानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसे योग बन रहे हैं। इस महीने लगभग 7 तारीख के बाद आपकी आमदनी और 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसे योग बन रहे हैं और धन कमाने के कई नए मौके भी आपको मिलेंगे। अगर आपने शेयर मार्केट पैसा लगाया है तो इस समय आपको ज़बरदस्त फायदा होगा और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी, बहुत ही अच्छी, ऐसे योग बन रहे हैं। इस समय कोई धार्मिक शुभ कार्य आप करवा सकते हैं, उसमें आपका बड़ा पैसा भी खर्चा होगा और इस समय आपके घर में कोई शादी विवाह या और कोई भी शुभ कार्य भी हो सकता है जिसमें आपका पैसा खर्चा होगा खूब, यानी अचानक से कोई बड़ा धन खर्च होने की पूरी संभावना है। मगर घबराने की बात नहीं है, इस पूरे महीने भाग्य से कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। मगर इस समय अगर आप आमदनी और खर्चा का अनुपात बना के रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, अन्यथा आप परेशान भी हो सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। मगर पैसा खूब आएगा मगर खर्चा भी खूब होगा, तो इसलिए थोड़ा अनुपात बना के रखें तो दिक्कत नहीं होगी। विद्यार्थियों की अगर बात करें इस महीने, तो जो विद्यार्थी फैशन डिजाइनर में हैं, मॉडलिंग में हैं, संगीत कला के क्षेत्र से हैं, उनको विशेष सफलता मिलने वाली है। मगर जो छात्र किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका मन इस समय थोड़ा भटकेगा, यानी कि पढ़ाई से मन ऊब सकता है, तो किसी और क्षेत्र में जाने का भी प्लान बना सकते हैं वो और सफल भी हो जाएंगे। मगर जो बच्चे साधारण शिक्षा में हैं उनका खूब मन लगेगा पढ़ाई में और उनके लिए अच्छा समय भी है। अब बहुत ही अच्छा महीना आपका बीते उसके लिए कुछ उपाय हैं, वो कर लीजिए आप। जैसे प्रतिदिन आपको गणेश जी की उपासना करनी है, गणेश जी की आराधना करें। शनिवार के दिन कम से कम 5
दिव्यांगजनों को भोजन कराएं और गुरुवार के दिन चने की दाल का दान करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी कुछ सावधानियों का ध्यान रखें, आपका पूरा महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। आर्थिक स्थिति के हिसाब से पूरा महीना बहुत ही सुंदर है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। जितने भी आपके दोस्तों सलाई उम्र सप्राशी वाले उनको शेयर करें। जय सियाराम।